के जो कंपटीटर हैं वो उन्होंने आज तक इसको कम्पीट नहीं किया, क्योंकि जो होंडा की मार्केट है वो वहीं की वहीं है। बहुत से ब्रांड आए हैं मगर उसके बावजूद भी होंडा होंडा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राना बदर और आज आप देख रहे हैं कार को। तो आज जिस बाइक का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आए 2023 मॉडल जो कि होंडा CG 125 है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इस होंडा की जो कि 125 बाइक है इसको अभी तक कोई भी कम्पीट नहीं कर सका। तो जितने भी बाइक्स आए हैं, यामा आया है, बाकी और भी जो ब्रांड आए हैं उसके बाद भी इसकी जो कि वैल्यू है वहीं की वहीं खड़ी है। तो अब आज जो मेरा मेन आज का जो टॉपिक है इस बाइक का रिव्यू बनाने का, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो कि चेंजिंग हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जिस तरह के बाइक के फ्रंट लुक की बात कर रहे हैं, बाइक का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट से नहीं पता चलेगा कि 2023 है, 2022 है, 2017, 2018, 2019, या आपको फ्रंट से कोई भी इसका आइडिया नहीं लगा आ सकता इस बाइक का, क्योंकि वैसे 2023 मॉडल है बाइक का। इसका देखें, इसका मीटर, इसका जो कि हेडलाइट, इसका अगर फ्रंट देख सकते हैं इंडिकेटर, ओवरऑल इसका जो कि 2022 मॉडल वाला है, जो इसके प्रीवियस मॉडल है वही वाला मॉडल है। उसके अलावा इसके अगर हम आपको इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लें, तो साइड प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं आपको जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो चेन नज़र आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका जो कि स्टिकर का थीम चेन नज़र आएगा। उसके अलावा बाइक के अगर आप साइलेंसर की तरफ देखें, ये भी आपको मैट ब्लैक में विथ सिल्वर क्रोम की जो कि पट्टी है ये आपको मिल जाती है इसके ऊपर। उसके अलावा ओवरऑल इसके किक का डिज़ाइन, इसके इंजन का डिज़ाइन, इसके अंदर मतलब साइड प्रोफाइल में कोई मेजर चेंजिंग नहीं की गई। इसके अलावा इसके अंदर जो सिर्फ चेंजिंग की गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो कि स्टिकर है उसके अंदर चेंजिंग की गई। तो जहाँ तक बाइक की बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बाइक की बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं जो कि इससे ओल्ड मॉडल हैं, जो इससे प्रीवियस मॉडल हैं, बिल्कुल वैसी है। इसके अंदर ना कि मेरे ख्याल आगे से पीछे से कोई चेंजिंग नहीं पता चलती। अगर इसके अंदर जो सिर्फ सिर्फ चेंजिंग लगती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको साइड के स्टिकर की वजह से देख के पहचानी जाएगी ये बाइक कि ये 2023 मॉडल है। आप देख सकते हैं बैक प्रोफाइल भी इसकी जो कि बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह पहले बाइक आ रहा है 2022 का वैसे ही है, और इसके अंदर जो मेजर चेंजिंग की गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसका स्टिकर में की गई है। जहाँ तक बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं इसका बाइक का जो कि है और इससे जो कि प्रीवियस मॉडल है बिल्कुल सेम है। बाकी ओवरऑल अगर इसके जो कि ये असम्बली वगैरह देख सकते हैं, इसके ऊपर भी जो कि एज इट इज़ जो पहले इसके प्रीवियस मॉडल थे वैसे ही बटन है। बाकी बाइक के जो कि ऊपर से भी आप लुक देख सकते हैं, इसकी बैक से भी लुक देख सकते हैं आप, और उसके अलावा आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल में सिर्फ जो चेंजिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसके स्टिकर के अंदर चेंजिंग की गई है, बाकी ओवरऑल बाइक जो कि 2022 की तरह ही है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जो कि 2023 मॉडल और 2022 मॉडल के अंदर जो कि चेंजेस है वो भी आपको नज़र आ गई होंगी। उसके अलावा जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मेजर चेंजिंग की गई है। बाकी ओवरऑल अगर बाइक की ये बात कर लें कि अगर तक इसके जो कंपटीटर हैं वो उन्होंने आज तक इसको कम्पीट नहीं किया, क्योंकि जो होंडा की मार्केट है वो वहीं की वहीं है। बहुत से ब्रांड आए हैं मगर उसके बावजूद भी होंडा होंडा ही है, होंडा वहीं के वहीं खड़ा है, इसको कोई भी जो कि कंपनी नीचे नहीं कर सके। तो बाइक की प्राइस जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कि दूसरे भी जो कि एडिशन है उनकी भी प्राइस बीच में मेंशन है, जो कि 2023 मॉडल है इसकी जो कि प्राइस भी वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी।